चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉलिन्स रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और आइडियोफॉर्म टेस्ट की। उससे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। देखिए आप लोग यहाँ पर हमने ये जो रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये सारी कवर कर ली है। ओके, ये सारे रिएक्शन हमने कवर कर लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें से आपको बता दिया था ये वाली रिएक्शन आप लोग चाहो तो कर सकते हो। अगर ये आपने कर ली तो ये नीचे की जो ये रिएक्शन है ये भी आपसे बन जाएगी। ओके, और ये भी सेम टू सेम वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें एडिशन रहेगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आप लोग चाहो तो कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आई एम पी हो गई, ये भी आई एम पी मान, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा ये नहीं है। यहाँ से आपको बता दिया था हमने ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा यहाँ से ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये जो रिएक्शन है ये तो हमने पहले ही कर ली है अल्कोहल वाले चैप्टर में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन ये रिएक्शन के चांसेस अल्कोहल वाले चैप्टर से ज़्यादा है, वहाँ से ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। ठीक है, ये रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट थी, बाकी पूरा हमने कवर करवा दिया आपको। उसके अलावा मिसलेनियस जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं इनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉलिंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट और साथ में आइडोफोम टेस्ट की। चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए हमारे सिलेबस में कहाँ पर दिया हुआ ये, यहाँ पर है। ओके, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, टॉलिंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग टेस्ट बोल सकते हो, आइडोफोम टेस्ट। ये किसके अंदर आते हैं, एल्डिहाइड के अंदर आते हैं। एल्डिहाइड में आपको ये चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक, हमने ये टॉपिक जो था वो कवर कर लिया, ये हमने पार्शियली कवर कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है इस टॉपिक, इसको भी कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा ये इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट आती है। चलो तो स्टार्ट करें टॉलिंस रिएजेंट फेलिंग्स रिएजेंट को। आ जाओ यहाँ पर ये आपके लिए नोट्स हमने बना रखे हैं, बहुत प्यारे नोट्स हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमने लिख रखा है यहाँ पर। चलो तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन ओपन करते हैं, वहाँ पर आपको समझा देते हैं इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, टॉलिंस रिएजेंट फेलिंग्स रिएजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्या काम करते हैं वो भी समझाएंगे आपको। ब्लैक स्क्रीन ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सारी चीज़ें। ओके चलो, तो देखिए हमारे पास अभी तक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, ऑक्सीडाइजिंग। ओके, स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं यहां से, ऑक्सी, अच्छा सही थी यहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, कौन कौन से थे बताइए, कौन कौन से थे। अगर आपको याद हो K2, Cr2O7, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, ये हमारे पास था। और क्या था हमारे पास, हमारे पास KMnO4 एसिडिक मीडियम में, ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता था। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या काम करता है ये, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन का काम करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा देता है, खुद का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम लोग बात करें अल्कोहल की, अगर आप लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं K2Cr2O7 KMnO4 सॉरी एसिडिक मीडियम में, तो आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पर बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए एल्डिहाइड बनेगा और डायरेक्ट क्या बन जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। क्या समझे आप लोग यहाँ से, आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो। तो देखिए हुआ क्या, अगर आप लोगों ने अल्कोहल ले लिया तो डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक मिलेगा, ये जो है एल्डिहाइड ये बहुत कम समय के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोगों को एल्डिहाइड देखने को मिलेगा, बाकी कार्बोक्सिलिक आपको मिलता है अगर आप लोग एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से। तो क्या तरीका है कि हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा के, तो इसका जो उत्तर है आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि जो एल्डिहाइड है
ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यूज ना करके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज ना करके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करो, वीक ऑक्सी ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर आप यूज करो तो क्या होगा, तो क्या होगा भैया, तो आप लोग यहाँ पर क्या बना पाओगे, एल्कोहल से एल्डिहाइड बना पाओगे, समझे आप लोग बात, ये चीज होती है। ओके, अब बात आती है कि अब बात ये आती है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें कहाँ से मिलेंगे। ओके, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ से मिलेंगे, तो अभी जो आपने टॉपिक के नाम सुने, टॉलिंस रिएजेंट, टॉलिंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, ये जो है ये क्या है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे टॉलिंस का फॉर्मूला क्या है, फेलिंग का फॉर्मूला क्या है, लेकिन अभी आप लोग ये समझो कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आई बात समझ में, क्या इनका यूजेज है समझ में आया। ओके, कुछ लोग इसको इस तरह से बताते हैं कि अगर आपको एक चींटी को मारना है, अगर आपको मान लो एक चींटी को मारना है, वैसे आप लोगों को नहीं करना चाहिए चींटी को भेजो, नहीं मारना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि भैया आपका मन हुआ चींटी को मारने का, ये एक चींटी है, इस चींटी को आपको मारना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है मान लो, ठीक है, ऑप्शन वन ऑप्शन टू। ऑप्शन वन आपके पास है कि आप अपने हाथों से उसको मसल दो, ठीक है, अपने हाथों से उसको मसल दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी तलवार का यूज करो, मान लो आपके घर में तलवार रखी हुई है, ठीक है, तो तलवार का यूज करो, तलवार का यूज करके चींटी के दो टुकड़े कर दो, तो आप कौन सा यूज करोगे इन दोनों में से। अरे भैया जब चींटी हाथ से मर जाएगी तो तलवार का यूज क्यों करें। उसी तरह से यहां पर बात है कि जब हमारा काम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो सकता है, तो हम लोग फालतू खर्चा क्यों करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लाने में। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जहां पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वीक से ही काम हो जाता है, तो वीक का अगर काम हो रहा है तो आप लोग वीक का यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग का यूज क्यों करना हमें, इस तरह से भी कुछ लोग समझाते हैं, तो बिल्कुल सही तरीका ही है। ओके, इस तरह से अगर आपको समझ में आता है तो इस तरह से समझ सकते हो। आगे बात समझ में, कहानी यही है कि जो टॉलिंस और फेलिंग्स होते हैं ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ओके, चलो तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। हमने बोला कि टॉलिंस टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट ये जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग के साथ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन ये है आपके सामने। तो ध्यान रखना, कभी भी कीटोन जो होता है ये इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रोंग हो, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रोंग हो, इतनी आसानी से नहीं होता है। यहाँ पर हमें हाई टेम्परेचर की, प्रेशर की जरूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर की और प्रेशर की हमें जरूरत पड़ती है। ओके, तो कीटोन अगर आपसे पूछे कि बताओ कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए, अगर आप लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करो तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कुछ विग्रस कंडीशन बना देते हो, विग्रस कंडीशन मतलब टेम्परेचर काफी ज्यादा, प्रेशर काफी ज्यादा, अगर इस तरह की कंडीशन आप लोग बनाते हो तब जाके कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक में ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, जी हाँ, कार्बोक्सिलिक के जो डेरिवेटिव्स वगैरह जो बनेगा इसका, उसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में, तो लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये था कि कीटोन का ये ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता वीक से। चलो, जितनी बात अब आपको बताई है सभी सारी बातें हमने नोट्स में शामिल कर रखी है। यहाँ पर देखो आप लोग, एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड जो होते हैं वो आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, तो आप चाहो तो यहाँ पर स्ट्रोंग यूज कर सकते हो, स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो या वीक यूज कर सकते हो। तो अगर आपसे कहें कि आप कौन सा यूज करोगे, वैसे तो आपके पास दोनों चॉइस है, लेकिन आपको यूज करना चाहिए वीक का, क्योंकि वीक हमें सस्ता मिल जाएगा, स्ट्रोंग जो होगा वो आपको मार्केट में महंगा मिलेगा, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि जब हमारा काम वीक से हो रहा है तो स्ट्रोंग का काम क्यों लें हम लोग,
ये चीज होती है। रिसोर्स तो इसको हमें यूटिलाइज करना होता है बड़े पैमाने पे। कॉपी में तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ओके, लेकिन जब बड़े लेवल पे बात होती है ना, तो वहां पर रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। ओके, चलो फिर आगे हमने लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। HNO3 आपको बताया था, एसिडिफाइड K2Cr2O7 है हमारे पास, KMnO4 हमारे पास है। उसके बाद बात करते हैं माइल्ड मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ये हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट हो जाएंगे। नोट करके हमने बात लिख रखी है, कीटोन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन इतनी आसानी से नहीं होता है। इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन विगरस कंडीशन, और विगरस कंडीशन कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, हाई टेम्परेचर वगैरह होना यहाँ पर चाहिए, नॉट बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात यहाँ पर लिखी गई है कि भैया टॉलिंस और फेलिंग के बस की बात ये नहीं है, ये बात हमने यहाँ पर बता दी। और हाँ, अभी आपको चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, ये जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बच्चों को लगता है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। ये देखिए, यहाँ से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि टॉलिंस, फेलिंग्स और आइडोफॉर्म किस कौन किसके लिए सुटेबल है, कौन किसके लिए सुटेबल नहीं है, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, टॉलिंस रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब फॉर्मल्डिहाइड जो होता है उसको कर देगा, एसिटाल्डिहाइड इसको भी कर देगा, कीटोन जो होगा, कीटोन की बात अभी हमने बताई आपको, कीटोन को नहीं कर पाएगा, बेंजल्डिहाइड को कर पाएगा, जी हाँ, बेंजल्डिहाइड भी एल्डिहाइड ही होता है तो ये कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग फेलिंग को देखेंगे, फिर सबका एक साथ कंपेरिजन हम लोग करने वाले हैं, तो इससे क्या होगा, चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। चलो कहाँ पे थे हम लोग, टोलिन समझ लिया, अब टोलिन का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। टोलिन का क्या याद कर लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। टोलिन रिएजेंट जो होगा उसका कुछ केमिकल फॉर्मूला होगा, उसको याद करना पड़ेगा हमें एग्जाम में, तभी तो नंबर मिलेंगे। देखिए सबसे पहले देखो, फॉर्मूला तो इतना सा है, ये दिख रहा होगा आप सभी को, ये है एक्चुअल फॉर्मूला, ये है टॉलिन्स का रिएजेंट। लेकिन ये बना कैसे है वो देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अमोनिया गैस को यूज किया, साथ में सिल्वर नाइट्रेट को आपने यूज किया, दोनों का मिक्सचर कर दिया, तो क्या बन गया, सिल्वर नाइट्रेट में से आपने Ag ले लिया, उसके बाद यहाँ से NH3 लिया, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ट्वाइस लगा देंगे, ये आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं किया है, डायरेक्ट आपने याद कर लेना है। ओके, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, उसके बाद ये जो यहाँ से NO3 बचेगा इसको आप लोग यहाँ पे लगा दीजिए। बैलेंस करने जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि टाइम लगेगा बैलेंस करने में, लेकिन आप लोग डायरेक्ट इसे याद कर लो, सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो ये Ag होगा वो यहाँ पर क्या कंटेन करके रखेगा, यहाँ पर NH3 के दो मॉलिक्यूल को कंटेन करके रखेगा, साथ में ऊपर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठने लग जाएगी। ओके, रिवीजन तो करना पड़ेगा, वो इसका तरीका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई दूसरा उपाय नहीं है, रिवीजन ही सबसे बड़ी चीज़ है। ओके, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े, इसको क्लियर करते हैं ना, आगे देखते हैं। यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन कुछ भी बोल दो, तो ये बात भी वही है, यहाँ पर भी बात वही है, लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, क्या ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बताओ। बिल्कुल जी हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास कीटोन का, कीटोन का क्या कीटोन को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो भैया देखो ये वीक होते हैं तो वीक यहाँ पर नहीं कर पाएगा। ओके, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, सेम वहां पर जो कहानी थी यहाँ पर है। एक्सेप्शन यहाँ पर ये आता है, यहाँ पर बता देते हैं आपको इसको क्लियर करके, एक्सेप्शन यहाँ पर ये आता है, टॉलिंस जो रिएजेंट था, टॉलिंस का जो रिएजेंट था, ये जो था ना, ये हर एक प्रकार के एल्डिहाइड्स को, हर एक प्रकार के एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता था। ओके, ऑक्सीडाइज ये कर देता था, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन जो होगा, फेलिंग रिएजेंट जो होगा जिसको हम लोग बनाने वाले हैं, ये जो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, उनको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसका रीजन क्या है, ऑक्सीडाइज किसको नहीं कर पाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को नहीं कर पाएगा। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है पहले तो आप लोग ये समझो, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब हमारा बेंजल्डिहाइड, समझ लो, जिसमें बेंजीन की रिंग आती है, यहाँ पर रेजोनेंस होता है इस तरह से, CHO ये बन गया। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड,
तो बेंजल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, कीटोन को भी ये नहीं कर पाएगा। ये बात आपको यहाँ पर छोटी सी याद करनी है। अगर आप लोग समझने की कोशिश करो तो क्या समझे आप लोग कि टोलिन्स फेलिंग से ज़्यादा स्ट्रोंग है। टोलिन्स भी वीक है, फेलिंग भी वीक है। कंपेयर करें अगर हम दोनों में कि दोनों में से ज़्यादा कमजोर कौन सा है, दोनों के दोनों कमजोर हैं। समझ रहे हो बात आप लोग, दोनों के दोनों कमजोर हैं, लेकिन दोनों में से भी ज़्यादा कमजोर कौन है? तो फेलिंग ज़्यादा कमजोर है क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इस तरह से आप लोग समझने के लिए याद कर सकते हो। चीज़ें समझ में आ रही है आप सभी को? ये होगा, चलो कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। आ जाओ भैया यहाँ पर, तो फॉर्मल्डिहाइड को कर देगा, एसिटल्डिहाइड को कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो ये जो एलिफेटिक होते हैं, ठीक है, एलिफेटिक मतलब जो नॉर्मल हमारे, इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड इनको तो कर देंगे। दोनों के दोनों माहिर है भैया, टोलिन भी माहिर है और फेलिंग भी माहिर है, दोनों कर देंगे। लेकिन कहानी फंसेगी कहाँ पर? कीटोन के ऊपर। तो कीटोन को ये नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड को ये कर देगा, लेकिन इसके बस की बात नहीं है। आई चीज समझ में यहाँ पर आपको? ये होने वाला है यहाँ पर। चलो अब क्या करना, अगली स्टेप हमारी क्या होती है? अब इसका याद करना भैया, फॉर्मूला किस तरह से याद करेंगे हम लोग वो देखेंगे। यहाँ पे आ जाओ, तो जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको यहाँ पर दो सॉल्यूशन मिलाने पड़ेंगे, तब जाके फेलिंग का जो एक्चुअल सॉल्यूशन होता है वो बनेगा। आप चाहो तो इसको ए बोल सकते हो, इसको बी बोल सकते हो। सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, दो सॉल्यूशन आपको मिलाने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं दो सॉल्यूशन जिससे फेलिंग सॉल्यूशन बनता है? कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपको दो प्रकार के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पहला ये है एक्वस कॉपर सल्फेट, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वस कॉपर सल्फेट, जो कि क्या होता है, CuSO4 .5H2O, 5H2O, ये आपको याद करना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट कौन सी मीडियम में? एक्वस मीडियम में। तो हमने 5H2O लगा दिया, पानी है ना, यहाँ पर पांच पानी हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हो CuSO4.5H2O। इसी के साथ साथ आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह से आप लोग बना लो, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। देखिए आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग भी, यही आपको याद करना पड़ेगा, यही अटल सत्य है। अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अरे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के ऊपर बात करते हैं। ये जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है ये इस तरह का दिखता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये आप चाहो तो इसको इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर एच लगाओ, यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर एच, फिर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ओ एच, यहाँ पर भी ओ एच, उसके बाद ऊपर लगाएंगे कोना, COONA, कोना बोलते हैं हम लोग इसको, फिर यहाँ पर बना देंगे कुक, CuK। तो बात दोनों की एक ही है, ठीक है, ये देख लो यहाँ पर इस तरह से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कार्बन रहेगी एक, यहाँ पर कार्बन, आप चाहो तो कार्बन यहाँ पे बना लो, यहाँ पर बना लो। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर इस तरह से बना दिया हमने, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, एट दी एंड आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। ओके, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। चलो चीज़ें समझ में आ रही है आपको? देखो मुश्किल नहीं है, डरना कभी मत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो डर गया समझो घर गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीज ही ऐसी है कि आपको अपने दिमाग के ऊपर लोड देना पड़ेगा, चीज़ों को याद करना पड़ेगा। ओके, कुछ हद तक हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कुछ हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी ट्रिक बनाना काफ़ी मुश्किल होती है, और ट्रिक बनाते बनाते हम कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, नहीं तो इसकी भी ट्रिक बना बना के आपके सामने बता देते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो इसकी ट्रिक अपने मन से बना सकते हो, आप कोई अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन इसकी ट्रिक हमसे तो नहीं बनी, तो आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा भैया। ओके, चलिए तो आगे हम बात करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन की। ठीक है, अब हेलोफॉर्म रिएक्शन डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले इसकी थ्योरी देखेंगे। ओके, आ जाओ यहाँ पर, उसके बाद रिएक्शन हम लोग बाद में देखेंगे। तो जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विच कंटेन्स COCH3, COCH3 ग्रुप और अल्फा मिथाइल ग्रुप। ओनली एसिटल्डिहाइड गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, ओनली एसिटल्डिहाइड गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। और क्या लिखा हुआ है, कीटोन जिसके पास RCOCH3 मिथाइल एल्काइल कीटोन होना चाहिए वो दे सकता है ये टेस्ट। क्या समझ में आया हमें? हमें तो भैया कुछ समझ में नहीं आया। चलो ब्लैक स्क्रीन पे समझते हैं, तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। काफी सिंपल चीज है, अभी आपको समझा देते हैं, देखिएगा।
जो हमारे पास हेलो फॉर्म टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं पहले तो टेस्ट, ठीक है, उसके बाद हम लोग रिएक्शन देखेंगे। ये जो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, अल्फा मिथाइल, या तो हम लोग एल्डिहाइड ले सकते हैं या तो हम लोग कीटोन ले सकते हैं, ठीक है। क्या समझे इससे आप लोग? इससे हम लोग ये समझे कि अगर आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हो, ठीक है, ये ग्रुप तो कॉमन होगा दोनों में, एल्डिहाइड की बात करो या कीटोन की बात करो, अगर यहां पर CH3 है, अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, आप चाहो तो यहां पर H लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। कौन सा वाला? एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। लिख देते हैं, काम करते हैं, एसिटल डी हाइड। अगर यहां पर CH3 लगाएं, यहां पर भी CH3 लगाएं, तो ये क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, एसीटोन कीटोन। उसके बाद अगर हम मान के चलो यहां पर H, यहां पर COO, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। बात करें कि कौन कौन टेस्ट दे पाएगा कौन कौन टेस्ट नहीं दे पाएगा, तो ये जो हेलोफॉर्म टेस्ट है भैया, ये सिर्फ और सिर्फ CH3 ग्रुप वाले के लिए ही बना हुआ है। यहाँ पर भी एक CH3 है, यहाँ पर भी एक CH3 है, मतलब ये भी पास कर जाएगा, ये भी पास कर जाएगा, ये फेल कर जाएगा, क्योंकि इसके पास CH3 ग्रुप नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है ना यहाँ पर, एक जगह होना कंपलसरी है लेकिन इसमें नहीं है। तो बस यही है हेलोफॉर्म टेस्ट, मतलब एसिटल्डिहाइड दे देगा, एसिटोन दे देगा। चलो बेंजल्डिहाइड की भी बात कर लेते हैं, चलो आप लोग खुद सोच के देखो, बेंजल डी हाइड ये टेस्ट दे पाएगा, बेंजल डिहाइड क्या होता है, बेंजल डिहाइड C6H5, और यहां पर क्या आता है, CHO। अरे इस तरह से समझ में नहीं आया तो इस तरह से देख लो, यहां पर इस तरह से CHO, क्या ये टेस्ट दे पाएगा, क्या इसके पास CH3 आपको दिख रहा है कहीं पर? नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी नहीं दे पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड और एसिटोन मतलब कीटोन दे पाएंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं देगा। आया चीज समझ में आपको? ये बात होती है एलोफॉर्म टेस्ट की। ओके, अच्छा अगर आपसे मैं कहूं कि बताओ टेस्ट का मतलब क्या होता है, लाइक चलो यहीं पर समझा देते हैं आपको, हमने आपसे ये पूछा है कि बताओ टेस्ट का मतलब क्या है, टेस्ट से आप लोग क्या समझ रहे हो? टेस्ट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना, टेस्ट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना, मतलब अंतर बताना। मान लो आप मार्केट गए, चलो एक काम करते हैं, यहां पर फील करते हैं इसे ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, यहां पर मान लो आप मार्केट गए, मार्केट बाजार, मार्केट से आपने क्या लेके आए, मार्केट से आपने दो केमिकल लेके आए। पहला केमिकल आपके पास है भैया फॉर्मल फॉर्मल डी हाइड फॉर्मल्डिहाइड, एक तरफ आपके पास है एसीटल डी हाइड, दो केमिकल आपने लेकर आ गए। अब मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब आपको जो कलर वगैरह इसका दिख रहा है वो दोनों का सेम है, तो आप लोग कैसे पता लगा पाओगे ये कौन सा फॉर्मल्डिहाइड है कौन सा एसीटल्डिहाइड है? अब काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे वो सोच रहे होंगे कि यार अगर हम लोग मार्केट जाएंगे, मार्केट से फॉर्मल्डिहाइड एसीटल्डिहाइड लेके आएंगे तो दुकानदार से पूछ के लाएंगे, और दुकानदार से कुछ ना कुछ मार्क वगैरह करवा के लाएंगे, जो भी हम लोग बोतल वगैरह ले जा रहे हैं या फिर बोतल वो खुद दे रहे हैं अपने को, तो उसके ऊपर मार्क लगा हुआ होगा, नाम लिखा होगा उसके ऊपर कि भैया ये फॉर्मल्डिहाइड है ये एसीटल्डिहाइड है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपके पास जो बोतल है बिल्कुल उसके ऊपर कुछ भी मार्क वगैरह नहीं है, कुछ भी लेबल लगा हुआ नहीं है, आपके पास एक सिंपल सी डब्बी है, उसमें दोनों का कलर भी सेम है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि कौन सा फॉर्मल्डिहाइड है कौन सा एसीटल्डिहाइड है? तो इसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश करना। तो डिस्टिंग्विश कैसे करोगे आप लोग? तो आप क्या कर सकते हो, इसमें और इसमें क्या डालोगे, इसमें आप लोग कुछ केमिकल डालोगे। अब वो केमिकल क्या होंगे, अब वो केमिकल क्या होंगे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर से, क्योंकि वो जो केमिकल होंगे वही इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लो आपने कुछ केमिकल डाला जिसको हम लोग बोल क्या रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं हेलोफॉर्म के केमिकल, हेलोफॉर्म के केमिकल, समझने के लिए हमने ये बात लिख दी हमने कि ये हेलोफॉर्म के जो केमिकल है हमने यहाँ पर यूज कर दिए, यहाँ पर भी डाल दिए। अब क्या होगा, जैसे ही आपने जो केमिकल हमने आपको बताए थे वो आपने डाले, वैसे ही क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कुछ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आइडोफॉर्म CH3CHI, ओके CHI3, जिस प्रकार से हमारे पास CHCl3 होता है, ये क्या होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है, उस तरह से ये होता है आइडोफॉर्म हमारे पास।
तो अगर आपको CH3 की आपको क्या देखने को मिल गई, ये आपको PPT के फॉर्म में देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। हुआ क्या, फिर से समझो एक बार और, जैसे ही आपने केमिकल डाला इसके अंदर, वैसे ही क्या हुआ आपके पास, आपको आइडोफॉर्म देखने को मिला। क्या देखने को मिला आपको, आइडोफॉर्म देखने को मिला। कहाँ पर देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड में देखने को मिला, फॉर्मल्डिहाइड में देखने को नहीं मिला। आइडोफॉर्म क्यों देखने को मिला आपको, क्योंकि आपने जो केमिकल डाले थे वो आइडोफॉर्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझोगे कि जिसमें हमें आइडोफॉर्म देखने को मिल गया वो एसिटल्डिहाइड है, जिसमें नहीं देखने को मिला वो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाइट प्रिसिपिटेट हमको देखने को मिलता है। प्रिसिपिटेट समझते हो आप लोग क्या होता है, प्रिसिपिटेट जो नीचे बैठ जाता है ना, जो नीचे बैठ जाता है। जैसे आपने मान लो यहां से डाला क्या केमिकल, तो यहां पर आपको छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में प्रिसिपिटेट देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। और वो प्रिसिपिटेट किसका होगा, तो आप लोग बोलोगे भैया ये हमारे पास मिलेगा आइडो फॉर्म का, आइडो फॉर्म हमको देखने को मिलेगा। ओके, ये बात होती है। जहां पर आपको आइडो फॉर्म देखने को मिल गया, समझ जाना कि ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड है, बाकी जो है हमारे पास वो फॉर्मल्डिहाइड है। इस तरह से आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो। चलो ज्यादा बात अब यहाँ पर नहीं करते हैं, थोड़ा आपको यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर देख लो। अब रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन कैसे करेंगे भैया, रिएक्शन के लिए यहाँ पे आओ। यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं आपको। मान लो आपने कीटोन यूज किया जिसके पास CH3 है, ठीक है, CH3 होना कंपलसरी है। उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर आपने एक हेलोजन गैस डाली थोड़ी देर के लिए, मान लो हमने आयोडीन डाला, I2 डाला। उसके बाद आपने क्या किया, एक बेस डाल दी। बेस क्या होता है भैया, जिसके पास OH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने इसमें मिला दिया। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर सोडियम कार्बोक्सिलेट देखने को मिलेगा। सोडियम कार्बोक्सिलेट बोल दो या फिर कार्बोक्सिलेट बोल दो, बात एक ही है, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको हैलोफॉर्म देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हमने आइडोफॉर्म रखा है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको आइडोफॉर्म देखने को मिलेगा, आयोडो फॉर्म। यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, CH3 आपको देखने को मिल जाएगा। ये जैसे ही दिखा आपको, समझ जाना कि भैया हमारा क्या तैयार हो चुका है, आइडोफॉर्म तैयार हो चुका है। ओके, उसके अलावा बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से NX बाहर निकलेगा, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। आपको एक बात हमने बता रखी है, ज्यादातर जब हम लोग बेस यूज करते हैं, ये क्या है हमारे पास, बेस। ओके, जब भी हम लोग बेस यूज करते हैं, जब भी नहीं बोलेंगे, जहां पर हम लोग बेस यूज करते हैं वहां पर चांस होता है कि पानी यहाँ से बाहर निकल जाए। और अगर आपने कुछ क्लोरोफॉर्म वगैरह ले रखा है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले रखा है, तो चांसेस है कि यहाँ से ये जो हमारा मेटल का कंपाउंड है, ये किसी एक क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। तो ये हमें पहले से पता होता है कि ये चीज़ तो होने वाली है। ओके, अगर आपने जितनी रिएक्शन अभी हमारी देखी है, वहां पर ज्यादातर यही चीज होती है कि पानी बाहर निकलता है, साथ में एक नमक हमारा बाहर निकल जाता है, NaCl NaX करके। ओके, तो ये आपको ये याद करनी पड़ेगी, इस प्रकार से रिएक्शन आप लोग याद करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। यहाँ पर से ONA जो है यहाँ पर चला जाएगा उठ के, इस तरह से। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 3 4 लगा रखा है, यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। बैलेंस करना आपके हाथ में, अगर आप लोग बैलेंस नहीं करते हो तो क्या होगा, क्या हमारे नंबर कट जाएंगे क्या? नहीं, नंबर नंबर नहीं कटेंगे आपके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं कटते हैं। इनऑर्गेनिक में हो सकता है आपके नंबर काट लिए जाए, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके नंबर इस प्रकार से नहीं काटते हैं भैया। हाँ, कुछ ऐसी रिएक्शन है जिनको बैलेंस करना जरूरी है, उनकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो बड़ी बात है। चलो ये हो गया। उसके अलावा आइडोफॉर्म टेस्ट की थोड़ी सी बात करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो हेलोफॉर्म टेस्ट ही होता है, रिएक्शन सेम टू सेम वैसी ही होती है। आपको एक्स की जगह पर आई रख देना है तो क्या बन जाएगा, मतलब कहने का ये है कि आप जो हेलोजन यूज करोगे वहां पर आपको आयोडीन यूज करना है, ठीक है, आयोडीन गैस यूज करनी है, बस काम खत्म। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कहलाएगा ये। ओके, अच्छा यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर व्हाइट PPT नहीं बनेगी, वेरी सॉरी, यहाँ पर येलो PPT बनेगी, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, येलो PPT बनेगी। पीले कलर की PPT आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वेरी सॉरी, यहाँ पर आपको पीले कलर की PPT देखने को मिलेगी। ओके, इस प्रकार से PPT समझते हो आप लोग सभी, जो नीचे बैठ जाती है, इस प्रकार से डिपॉजिट हो जाती है नीचे, वो आपको देखने को मिलेगी। ओके, उसके अलावा आइडोफॉर्म टेस्ट की कुछ खास बातें यहाँ पर पढ़ लेना आप लोग। सर्टेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होता है, ऑन ट्रीटेड विद आयोडीन NaOH, यहाँ पर जैसे हमने लिखा आयोडीन और NaOH, गिव्स येलो PPT विद एंटीसेप्टिक स्मेल।
एंटीसेप्टिक स्मेल। तो आइडोफॉम टेस्ट जब आप लोग परफॉर्म करते हो ना, तो आपको क्या देखने को मिलती है, येलो कलर की पीपीटी देखने को मिलती है, साथ में आप लोगों को एक बदबूदार, बदबू नहीं बोलेंगे, एंटीसेप्टिक स्मेल आपको आती है। एंटीसेप्टिक मतलब, अरे एंटीसेप्टिक मतलब जैसे आप लोग हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, ठीक है, मेडिकल पे जाते हो, तो वहां पर हॉस्पिटल में जो स्मेल आती है ना, अलग से दवाई वगैरह की स्मेल आती है, ओके, वो जो स्मेल होती है उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक स्मेल। वो आपको देखने को मिलती है, कब देखने को मिलती है, जब येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म प्रिपेयर करते हो आप लोग, तब जाके आपको ये स्मेल मिलती है, देखने को नहीं मिलती, सूंघने को मिलती है, सीधी बात। चलो तो इस तरह से ये हो जाएगा, वेरी सॉरी आप सभी लोग, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर येलो पीपीटी आएगा। व्हाइट पीपीटी कहाँ पे आता है, व्हाइट पीपीटी कहाँ पे आता है, याद है आप सभी लोगों को, व्हाइट पीपीटी आता है भैया हमारा लुकास रिएजेंट टेस्ट में, लुकास रिएजेंट टेस्ट में, ओके, जहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं, वहाँ पे आता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग येलो पीपीटी कर लेना, इतना सा काम आप लोग कर सकते हो, बाकी इस तरह से ये हमारा हो जाएगा फिनिश, ये देख सकते हैं आप लोग सभी। टॉलेंस रिएजेंट, फेलिन रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट इस टेबल को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, अगर ये समझ में आ गई तो आपके लिए सारी चीज़ हलवा है। रिएक्शन आपको याद करनी रहेगी, रिएक्शन तो सभी को याद करनी है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना जिसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो समझ जाना आप लोग सभी। चलो तो इस तरह से इस वीडियो को हम लोग करते हैं एंड, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी रिएक्शन के बारे में, तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।